खरगोन जिले के ग्राम घुघरियाखेड़ी जिला सहकारी बैंक शाखा में हुई चोरी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि चौकीदार ही निकला है। हालांकि पुलिस ने पहले ही चौकीदार पर शक जाहिर किया था, जो सही साबित हुआ है। शनिवार को खुद चौकीदार ने चुराई हुई रकम के साथ सरेंडर कर दिया। गोगावा पुलिस ने आरोपी सुरक्षा गार्ड को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी अनुसार बैंक का सुरक्षा गार्ड अंतिम पाटीदार 31 अक्टूबर की दरमियानी रात बैंक से 21 लाख रुपए चुराकर भागा था। पिछले 6 दिन से पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन शनिवार सुबह पाटीदार खुद थाने पहुंच गया। अपने साथ एक बोरी में चोरी हुई रकम भी ले गया था। पुलिस अब इस अपराध को कैसे अंजाम दिया गया और कौन कौन शामिल था, इसकी जांच में जुटी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। चोरी क्यों कर ली थी, क्या हो गया था? अच्छा, कोई ने बोला था क्या? नहीं। फिर कैसे दिमाग में आ गया? मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था। नशे में थे क्या तुम? ड्रिंक करी थी क्या? हाँ थोड़ी। कहीं गार्ड हो ना? अच्छा हाँ, बैंक में गार्ड था। कब से? मेरे को सितंबर वो 2021 में लगा था मैं, फिर वापस 2022 में मई से लगा। इतनी बड़ी रकम देख ली थी क्या होता? हाँ? कहाँ रखी है? तुम्हारे सब पता था तुमको? चाबी अभी है? को गोगावा थाने में रिपोर्ट हुई थी कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें चोरी हुई है, और रिपोर्ट के मुताबिक 21 लाख के लगभग कैश की चोरी हुई थी। क्योंकि एक संवेदनशील घटना थी, इसमें लगातार टीमें लगाई गई। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन एविडेंस आया था उसमें जो बैंक का गार्ड है अंतिम पाटीदार, उसकी इस घटना में संलिप्तता की जानकारी मिली थी। अंतिम पाटीदार को लगातार हमारी टीमें चेज कर रही थी। इसकी सूचना ये भी मिली थी कि मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र में है, तो दोनों जिले के पुलिस अधीक्षकों से भी हमारी बात हुई थी। उनकी टीमें भी इसमें लगातार इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही थी। परसों हमारी टीम ने आगरा रेड की थी, तो आगरा में पता लगा कि वहाँ से निकल गया है। तो कुल मिला के टीमें लगातार परस्यूट कर रही थी। तो आज परिजनों के संपर्क में आया है, परिजनों ने इसको ले जाके संबंधित थाने में इसको प्रोड्यूस किया है। इसकी कस्टडी से जो चोरी का कैश था 21 लाख 26 हज़ार 999 रुपये, पूरा का पूरा कैश बरामद हो गया है। अब इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट में रिमांड लेके कई एंगल्स पर जांच होगी, जैसे कि इसमें कोई और तो कोई शामिल नहीं था, किसी और किसी की भूमिका तो नहीं है, और किस उद्देश्य से किस प्रकार इसने घटना घटित की है, और इसने बाकी 3 दिन ये कहाँ कहाँ रुका है, पूरा मूवमेंट क्या था, इन सारे एंगल्स पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। घटना में जो पूरा कैश था बरामद हो गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में बैंकिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उसकी भी कई लैप्सेस सामने आए हैं, इसकी जानकारी हमने बैंक के जो प्रशासक हैं उनको भी दी है, और उनसे अपेक्षा की है कि इसकी डिटेल इंक्वायरी करें कि कैश हैंडलिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनका लैप्स होने से ही इस प्रकार की घटनाएं कई बार होती हैं, तो उनके स्तर से भी जांच की जा रही है। उसमें यदि बैंकिंग सेक्टर का, बैंक का कोई कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।